धन्यवाद महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र के हनुमानगढ़ जिले के नौहर रावतसर बादरा तहसील के किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता रहा है। क्षेत्र के किसानों की कंपनी द्वारा खरीफ फसल वर्ष 21 रबी वर्ष 21-22 का बीमा क्लेम आज तक नहीं दिया गया। 35% से अधिक क्रॉप कटिंग की जो कर्मचारी क्रॉप कटिंग हुई है उसमें बीमा कंपनी कर्मचारी राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के उपस्थिति में किसानों के सिग्नेचर्स हुए हुए हैं क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लेकर। इसके बावजूद भी बीमा कंपनी ने स्टैक के अंदर स्टेट जो लेवल टेक्निकल असेसमेंट कमेटी है उसमें क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट के आंकड़ों को चैलेंज किया गया और बीमा कंपनी बीमा क्लेम को भुगतान करने से मना कर दिया जा रहा है। वह स्टैक के द्वारा सैटेलाइट के डाटा मांगे गए हैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से, जबकि किसानों के द्वारा लगभग मांग की जा रही है कि खरीफ फसल 21 के अंदर और 22 रबी के अंदर जब किसानों ने सिग्नेचर कर दिए हैं तो उसके उपरांत भी सैटेलाइट के आंकड़े क्यों मांगे जा रहे हैं। आपत्ति की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने इस बात को स्वीकारा कि क्लेम सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के एवरेज के ऊपर दिया जाएगा, जिसका किसान आज भी विरोध कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि लोकसभा क्षेत्र के अंदर हनुमानगढ़ जिले के नौहर भादरा रावतसर में किसानों को खरीफ 21 व रबी 21-22 की क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाए। धन्यवाद सर।